गाइस इधर देखो, यहाँ पे घोंसला मिल गया। मोर का ही ये घोंसला है, यहाँ पे कन्फर्म है ये, क्योंकि मोर का जो अंडे होता है ना वो सफेद ही होता है। यहाँ पे देखो दो अंडे हैं और ये काफी बड़ा है, एकदम मस्त लग रहा है गाइस। लग नहीं रहा है ये मोर का अंडा है, लग रहा है सांप होगा यार। तो गाइस यहाँ पे हम आए एक जंगल में, और आपको पता है अभी गर्मियों का मौसम हो रहा है, आज तारीख है 1 जुलाई। घर में पता है कितने गर्मी हो रहा है आजकल, तो सोचा जंगल में चलते हैं, देखते हैं जंगल का तापमान कैसा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं सर्वाइव, और खाने पीने का जुगाड़ मैं यहाँ पे जंगल से ही करूँगा। अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके नहीं आया हूँ, तो काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, और वीडियो में पूरा बने रहना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, काफ़ी मज़े आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल की चीज़ यहाँ पे खाने पीने का सामान मुझे यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। पानी मैं अपने साथ लेके आया हूँ, तो अभी खाने के लिए सबसे पहले ढूंढते हैं, ठीक है। और गर्मी है देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अभी से ही मुझे यहाँ पे गर्मी से हालात ख़राब हो रहा है, पसीना पसीना हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन क्या करें, मज़ा आने वाला है, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए भी। आपको भी पता चलेगा कि जंगल में यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है, रियल लाइफ में। आप वीडियो को बस पूरा देखना। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, पसीने से हालात ख़राब हो गया अभी से मेरा। एक बात बताओ आपको, ऊपर आप देखे तो सागुन का पेड़ है, ठीक है, उसमें फूल भी लगा है। नीचे देखे तो ये सब सागुन का फूल है। इससे पहले क्या किया जाता था, साबुन बनाया जाता था, लेकिन ये अभी खेलने के काम में आता है। गाइस वहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है मुझे पेड़ में, वो पेड़ में एक गड्ढा दिख रहा है, उस पर आप देखते हैं, ठीक है, चलो आप। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, गड्ढा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो मिट्टी भी गिरा है, मतलब कोई आना जाना यहाँ पे हो रहा है अंदर। सावधान बच के रहना, थोड़ा दूर दूर सांप वाप भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा काफी ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ नरम नरम सा यहाँ पे महसूस हो रहा है, लग रहा है सांप होगा यार। रिक्स नहीं ले सकता, अचानक बाहर आ गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा मुझे यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे। शायद गर्मी की वजह से यहाँ पे अंदर ठंड है ना, आराम कर रहा होगा यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं इसके हाल में। हम अपने खाने की ओर ढूंढते हैं, ठीक है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे खाने के लिए, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। भूख लग रहा है गाइस, मिल नहीं रहा है यहाँ पे, काफ़ी सूखा मिट्टी है यहाँ पे। मुझे मोर का आवाज़ सुनाई दे रहा था, कोई यहाँ पे घोंसला मिल जाए या फिर अंडा वंडा मिल जाए तो सही रहेगा। गाइस इधर देखो, यहाँ पे घोंसला मिल गया, मोर का ही ये घोंसला है, यहाँ पे कन्फर्म है ये, क्योंकि मोर का जो
अंडे होता है ना वो सफेद ही होता है। यहाँ पे देखो दो अंडे है और ये काफी बड़ा है, मोर का ही अंडे है। यहाँ पे आसपास कई मोर होगा गाइस, वहाँ पे देखो वो झाड़ियों में वहाँ पे मोर है। वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ झाड़ियों में है, वहाँ पे चल रहा है, आवाज आ रहा है यहाँ पे चलने का। तो अंडे लेके चलते हैं, खाने का जुगाड़ हो गया, इससे काफी ज्यादा मुझे आसान हो जाएगा और चलने में मुझे यहाँ पे जंगल में इससे और मतलब सोने पे सुहागा क्या हो सकता है। चलते इसको बनाते जंगली जुगाड़ में। मेरे पास माचिस है तो इसके अभी हम बनाएंगे एक छांव में बैठ के, ठीक है। गाइस अंडे को आग में देने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी को गीला कर ले और उसके बाद अंडे को इसमें डाल ले और इसके ऊपर से अंडे के ऊपर से मिट्टी का लेप चढ़ा दे मोटा करके, तभी जाके अंडे यहाँ पे सही से भुनेगा वरना ये अंडा फट जाएगा आग के गर्मी से। तो गाइस देख सकते हो इस तरीके से बना लिया हमने, अब ये तैयार है आग में डालने के लिए। सीधा ये भुन जाएगा, जो मिट्टी में गीलापन है ना उसके कारण ये भुन जाएगा पूरा अंडा। तो अभी ये आग से भुन जाएगा, थोड़ा मिट्टी यहाँ पे भुन के सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, तब जाके ये अंडा पूरी तरह से यहाँ पे पक जाएगा, हमारे लिए खाने लायक हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्म है, आराम आराम से इसको निकालना पड़ेगा। देखो गाइस अंडा हमारा यहाँ पे पक चुका है, इसको छीलेंगे और खाएंगे। एकदम मस्त लग रहा है गाइस, लग नहीं रहा है ये मोर का अंडा है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पे।